गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास वन में एक सबसेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इसमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम आपका जो है पेज नंबर 37 में, इसका पीडीएफ जो दिए हुए हैं उसमें जो 37 पेज नंबर है और क्वेश्चन नंबर वन है। बुक जो खरीदनी है आप बुक से बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर एक में दिया हुआ है, कविता है 5 सीढ़ी, बोले कविता के पास 5 सीढ़ी है। रितु टुक 1 सीढ़ी फ्रॉम, हाँ रितु जो है, रितु दूसरी लड़की है, वो कविता से 1 सीढ़ी ले लेती है। तो हाउ मेनी सीढ़ीज आर लेफ्ट विथ कविता, तो कविता के पास कितना सीढ़ी बढ़ जाता है। तो बच्चों इसको हम वर्ड प्रॉब्लम को इसी तरह से पहले क्वेश्चन को समझना है और फिर उसके बाद बनाना है। तो यदि कविता के पास 5 सीढ़ी था, 1 सीढ़ी रितु ने ली, 1 सीढ़ी, तो 5 में से 1 सीढ़ी को जो है माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो जो सीढ़ी बचेगा वही कविता के पास सीढ़ी बचेगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे बच्चों, 5 सीढ़ी को ऊपर में लिखेंगे, ये कविता का सीढ़ी है, रितु 1 सीढ़ी ले लिया है और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो होगा इसको हम लोग लिखेंगे। एक आसान सा क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग इसको इस तरह से बनाते हैं, 5 है तो यहाँ पहले 5 को ड्रॉ लाइन करेंगे और उसमें से 1 को काट देंगे। जैगो बचता है, जितना बच रहा है उतना सीढ़ी कविता के पास बच रहा है, यानी कि 1 2 3 4 चार सीढ़ी बच रहा है, तो ये 4 सीढ़ी यहाँ पर लिख देंगे और ये इतना सीढ़ी जो है कविता के पास बच्चा और ये आंसर प्राप्त होगा। इसी प्रकार बच्चों इसमें इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे और इसी तरह से क्वेश्चन को पहले पढ़ना, पढ़कर समझना, उसके बाद जो है जो काम है उस काम को हम लोग करना है। धन्यवाद बच्चों।